भगवान श्री राम की, सीता मैया की, जनकपुर और अयोध्या के संबंधों की जय। अरे भगवान मंत्री जी इधर। ये मैंने जिस बस सेवा का शुभारंभ किया गया था उस बस के अयोध्या धाम पधारने पर इस बस सेवा का नेतृत्व कर रहे नेपाल राष्ट्र के नंबर दो राज्य के सुरक्षा मंत्री माननीय श्री सरोज कुमार सिंह कुशवाहा जी, नेपाल सरकार के ही मंत्री श्रीमती उषा यादव जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज एक नया आयाम दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नेपाल की यह तीसरी यात्रा है और तीसरी यात्रा में इन संबंधों को, भारत और नेपाल के संबंधों को एक सांझी विरासत के साथ जोड़ने, दो शरीर लेकिन एक आत्मा के भाव को आगे बढ़ाने की अपनी परंपरा और पुरातन सांझी विरासत को आगे बढ़ाने का जो अभिनव प्रयास हुआ है, अयोध्या धाम को जनकपुर से सीधी बस सेवा प्रदान करने के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान केपी ओली शर्मा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ नेपाल से आए हुए अपने अतिथियों का, श्रीमान श्री सरोज कुमार कुशवाहा जी, श्रीमती उषा यादव जी, साथ साथ वहां के महापौर श्रीमती रीता कुमारी मिश्रा जी और अन्य सभी अतिथियों का इस अवसर पर सादर अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, हजारों वर्ष पहले अयोध्या धाम और जनकपुर एक दूसरे के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों के साथ जुड़े थे। इस दौरान हजारों राष्ट्राध्यक्ष आए होंगे, राज्याध्यक्ष आए होंगे, लेकिन ये बात कि जनकपुर को अयोध्या के साथ बस सेवा के साथ सीधे जोड़ा जाए, काशी वाराणसी को काठमांडू के साथ सीधे बस सेवा के साथ जोड़ा जाए, यह केवल और केवल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समय संभव हो पाया है। इसके लिए हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं और आभार भी व्यक्त करते हैं। यह सचमुच एक ऐतिहासिक क्षण है हम सब के लिए। आप सोचे जब भगवान राम जनकपुर गए थे उस समय की परिस्थितियां कैसी रही होंगी और आज हजारों वर्षों के बाद जब बस सेवा जनकपुर धाम से सीधे अयोध्या के लिए हो रही है, आज की परिस्थितियों में कितना अंतर आया है। समय बदला है, परिस्थितियां बदली हैं, लोग बदले होंगे, लेकिन हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध उसी अटूट कड़ी के हिस्से बने हुए हैं जो आज से हजारों वर्ष पहले महाराज दशरथ और महाराज जनक के समय थे और उस परंपरा का साक्षी बनने का अवसर आज भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हम सबको प्राप्त हुआ है। सचमुच यह हम सबके लिए सौभाग्य का क्षण है। भाइयों बहनों, नेपाल और भारत के इन सांस्कृतिक संबंधों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। पशुपतिनाथ जी
और काशी विश्वनाथ जी के मंदिर जिस अटूट कड़ी के साथ जुड़े हुए हैं, मुक्तिनाथ का भारत के साथ संबंध और अयोध्या का जनकपुर के साथ संबंध, ऐसे अनेक कड़ियां नेपाल को भारत के साथ जोड़ती भी दिखाई देती हैं। अनेक कड़ियां हैं जो आपस में जोड़ती हैं एक दूसरे को, आपसी भावनात्मक संबंधों के साथ एक दूसरे को हमेशा अपने नजदीक पाती है। यह सांस्कृतिक संबंध यह किसी भी राजनीतिक संबंधों से महत्वपूर्ण होते हैं और इन सांस्कृतिक संबंधों की कड़ी को मजबूत बनाने का जो प्रयास देश के सबसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, यह सचमुच भारत की प्राचीन परंपरा को, सांस्कृतिक परंपरा को एक साथ जोड़ने का, जिसमें नेपाल और भारत के संबंध हमेशा से टूट रहे हैं आगे भी अटूट इसी प्रकार से बने रहेंगे, यह उसी कड़ी को आगे जोड़ने का और एक दूसरे के सुख दुख में सदैव सहभागी बनने के संकल्प को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री, काठमांडू और वाराणसी का तथा जनकपुर और अयोध्या के बीच के इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों शहरों के बीच में, जनकपुर का अयोध्या के साथ, काठमांडू का काशी के साथ, इन सांस्कृतिक संबंधों के साथ जोड़ करके हम विकास के साथ भी एक दूसरे को जोड़ सकें, इस दिशा हम लोगों ने समझौता दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। हमें प्रसन्नता है कि हम लोग आज इस कड़ी को एक और दिशा में आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हुए हैं। जब हम एक साथ नेपाल के साथ, नेपाल से आए हुए महत्वपूर्ण प्रतिनिधि मंडल के साथ इस सांस्कृतिक संबंधों के साथ साथ एक दूसरे के विकास के सहयोगी भी बन सके, इस विषय बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हम सब के लिए होगी। भाइयों बहनों, जो एक बस सेवा कल प्रारंभ हुई है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नेपाल से यात्रा प्रारंभ की थी, बस सेवा कल प्रारंभ की थी, रात्रि विश्राम बस सेवा का गोरखपुर में था, आज प्रातः बस सेवा के साथ सभी हमारे अतिथिगण अयोध्या धाम में पधार रहे हैं। आज उनका अयोध्या धाम में यहां रुकना होगा, यहां के सभी महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन करने, अयोध्या की परंपरा, अयोध्या की संस्कृति और मां जानकी के साथ उन प्राचीन संबंधों को एक बार पुनः पुनर्जीवित करने का एक अवसर नेपाल से आए हुए हमारे अतिथियों को प्राप्त होगा। यह अयोध्या वासियों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है, जब अतिथि देवो भव की अपनी इस परंपरा को हम एक नया आयाम दे सकते हैं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि अयोध्या के विकास को हमारी सरकार ने एक नई दिशा देने का कार्य किया है और इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए ही आज हम सब यहां पर आए हैं। पिछले वर्ष आपने देखा होगा दीपावली के एक दिन पूर्व हम लोगों ने भक्त दीपोत्सव का कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया था। यह भक्त दीपोत्सव का कार्यक्रम का उद्देश्य ही था कि दीपावली का पर्व का संबंध अयोध्या से है और अयोध्या को उसकी पहचान को पुनर्स्थापित करना वह दीपोत्सव की कड़ी का हिस्सा था और दीपोत्सव की कड़ी को ही आगे बढ़ाने के लिए विगत वर्ष हमारी सरकार अयोध्या में आई थी और उस समय हम लोगों ने 133 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास भी किया था, जिसमें स्वदेश दर्शन, प्रसाद योजना और रामायण सर्किट के अंतर विकास की उन सभी योजनाओं को यहां पर लागू करने का एक प्रयास प्रारंभ हुआ था। हमें प्रसन्नता है कि आज जो बस सेवा यहां के लिए प्रारंभ, जनकपुर से अयोध्या के लिए प्रारंभ हुई है, जनकपुर धाम रामायण सर्किट का एक अभिन्न हिस्सा बना है और यही नहीं, अयोध्या को जनकपुर धाम तक जोड़ने के लिए श्री राम जानकी मार्ग को भी उसके सुदृढ़ीकरण और उसके नवीनीकरण का कार्य भी भारत सरकार ने अपने हाथों में लिया है। मुझे लगता है कि इस समय इस बस सेवा को जनकपुर धाम से अयोध्या धाम पधारने में अभी 10 घंटे लगते हैं, लेकिन जिस दिन राम जानकी मार्ग का निर्माण पूरा हो जाएगा उस समय मात्र 6 से 7 घंटे में हम इस दूरी को पूरा कर देंगे। जनकपुर का सीधा संबंध
अयोध्या के साथ इस रूप में देखने का हम सबको एक अवसर प्राप्त होगा। इस पर भी एक बड़ा कार्य अयोध्या से बस्ती के छावनी होते हुए गोरखपुर के दक्षिणांचल होते हुए या मार्ग सीतामढ़ी और जनकपुर तक जाएगा, इसके लिए भी भारत सरकार ने अपनी सहमति दे दी है। कार्य उस पर प्रारंभ हो चुका है। यह एक महत्वपूर्ण, इसके साथ साथ अयोध्या के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे अन्य कार्यों को, खासतौर पर अयोध्या में जब हम लोग आते हैं, यहाँ के महत्वपूर्ण जो हमारे पवित्र धर्मस्थल है, यहाँ पर रामलला का दर्शन करने के साथ साथ महत्वपूर्ण मंदिरों में दर्शन के बाद सरयू जी में पवित्र स्नान का भी अपना महत्व है। हमारी सरकार ने विगत वर्ष यहाँ पर सरयू जी की दिव्य आरती का कार्यक्रम का पुनः प्रारंभ किया है। प्रतिदिन संध्या काल में आरती का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होता है। इसके अलावा जो रामलला का यहाँ पर परंपरा थी, जिसको विगत वर्षों में किन्हीं कारणों से पिछली सरकारों ने बाधित कर दिया था, उस रामलला के मंचन के कार्यक्रम को यहाँ पर फिर से प्रारंभ किया गया है। अखंड रामायण का कार्यक्रम यहाँ पर अनवरत रूप से इसी प्रकार से चले, इसके लिए कार्यक्रम यहाँ पर फिर से प्रारंभ किया गया है। रामायण सर्किट के इस कार्यक्रम का आगे बढ़ाने के लिए अयोध्या, नंदीग्राम, श्रीद्वेपुर, चित्रकूट और फिर इसको जोड़ते हुए श्रीलंका तक, इन सभी स्थलों को, महत्वपूर्ण स्थलों को आगे बढ़ाते हुए, उनके पर्यटन विकास की संभावना को आगे बढ़ाते हुए केंद्र की सरकार लगातार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और आज के इस अवसर पर हम सब इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जब यहाँ पर पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि दीपोत्सव के उस कार्यक्रम को जो एक भव्य आयोजन यहाँ पर हुआ था, इस अवसर पर आपने देखा होगा कि लगभग 6 देशों की रामलीलाएं भी यहाँ पर आई थी। भारत और नेपाल के अंदर श्री राम की संस्कृति, भारत की सनातन संस्कृति सदैव से चली आ रही है, बड़ी श्रद्धा के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहे हैं। लेकिन राम की संस्कृति इंडोनेशिया में पहुंची, थाईलैंड में पहुंची, कोरिया में पहुंची और भी दुनिया के तमाम अन्य देशों में पहुंची, कंबोडिया में पहुंची। उन देशों की रामलीलाओं का आयोजन यहां पर पिछले वर्ष आपने देखा होगा और इस वर्ष हम लोगों का प्रयास है कि दीपोत्सव का कार्यक्रम और भी भव्यता के साथ भारत के अंदर अयोध्या धाम के अंदर हम लोग एक बार पुनः कर सके, इस विश्वास के साथ आज के अवसर पर जब हम लोग यहाँ पर जनकपुर धाम से अयोध्या धाम के बीच की ऐतिहासिक बस सेवा को प्रारंभ करने का अवसर हम सबके पास आया है, मैं इस अवसर पर बधाई अपने अतिथियों का श्री वहां के प्रोविंस संख्या 2 के राज्य मंत्री श्री सरोज कुमार कुशवाहा जी, श्रीमती उषा यादव जी, श्रीमती रीता कुमारी मिश्रा जी और अन्य सभी नेपाल से आए अतिथियों का एक बार पुनः मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि यह सेवा भारत और नेपाल के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को एक नया आयाम प्रदान करेगी। इस अवसर पर आप सभी सामान्य नागरिकों का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने अतिथियों के स्वागत के लिए आप सब यहाँ पर बता रहे हैं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। होगा क्योंकि हमारे आराध्य पशुपति नाथ लाख
चाहते हैं, मैं अपनी भाषा से हम जुड़ते हैं, हम अपने संस्कारों से जुड़ते हैं। और मैं कहता हूँ हिमालय की पहाड़ियां हम दोनों को की रक्षा करते हैं। और अगर किसी को माउंट एवरेस्ट पे जाना हो तो भारत और नेपाल से भी जा सकते हैं, और कहीं से जाने का मार्ग नहीं है। तो हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।